नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। ये खबर बलिया से है, जहां फिफाना थाना क्षेत्र में आज रात बदमाशों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। एक टीवी चैनल के संवाददाता रतन सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला फिफाना थाना क्षेत्र के फिफाना कस्बे का है, जहां रहने वाले पत्रकार रतन सिंह टीवी के संवाददाता थे। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात उनके घर के पास भी बदमाशों ने उन्हें घेर कर गोली मार दी। बदमाशों की गोली से घायल पत्रकार रतन सिंह के मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बलिया के एसपी देवेंद्र नाथ ने बताया कि झगड़े के दौरान पटीदारों ने पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। पत्रकार की हत्या से जिले में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि पत्रकारों के बीच रोष व्यक्त है। पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रही है। उसके बगल में मैं भाई जमील लिया उस स्कूल में, वो वही साजिश करके मैं भतीजे को मरवा दिया। उसमें रिपोर्ट लिखाया गया था, बाद में लोग जबरदस्ती दबाव दे के सुलह करा ली। उसके बाद ये लोग प्रधान है, सब लोग साजिश करके उदय सिंह और दिन्ने सिंह का पूरा परिवार मारने में था। आज शाम को क्या हुआ था? शाम को कुछ नहीं हुआ था, वो करने लगे थे अपने दोस्त के, वो आ रहे थे घेर कर के मार दिए ना। घटनास्थल पे ही अच्छा जी, अभी यहाँ पे मौके पे पुलिस वगैरह सब आई हुई है, जांच कर रहे हैं। तो ये जमीनी विवाद था क्या कोई? नहीं, जमीनी विवाद गांव में झूठ मूठ के एक जमीन था, तो उसके बाद हम लोग बेच दिए। चार भाई एक भाई रहते तो उन्हीं से झगड़ा कर लेते, साल भर जो मैंने पहले उसको मार दिया। उसके बाद किस चीज से मारे हैं? अरे वो गोली और डंडा। आप रतन सिंह के कौन लगते हैं? हम पिता लगते हैं। तो चाचा जी, क्या हुआ था रतन सिंह साहब, कैसे घटना हुई, क्या कितनी क्या जानकारी है? रतन सिंह को शाम को 5:30 बज रहा था, ये प्रधान का भाई एक सोनू है, ये गया है मोटरसाइकिल से, और जी को आई ये भी लड़का निकला था मोटरसाइकिल से जी, फिर रोक करके फिर अपना चचकवा गाड़ी मंगा रहा था, कोई ले गया था जी, तो तब तक ही पहुंचा है। अब इससे कुछ बात हुआ है, हम उस तब उस साथी साथी आए हैं सर। क्या बात हुई है, किसके साथ साथ आए हैं? वो सोनू के साथ जी, सोनू के साथ। क्या बात हुई है? अब वो बात नहीं। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? हाँ, सोनू के साथ आया है, उसके बाद हमको 1-1.5 घंटा बाद हमारा एक छोटा भाई है, इसके यहाँ फोन गया कि झगड़ा हुआ है जी, तो हम लोग आए। थोड़ा हटिए, बताइए। तो आए तो देखे तो इनके हाथे में लड़के को गोली मार, झगड़ा हुआ था। अरे भैया, कितने बजे घटना है? हमारे यहाँ इनके यहाँ फोन आया, हमारे यहाँ फोन आया तो हमारा छोटा भाई है, आपसे ही बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो कितने बजे घटना हुई? अभी तुरंत 20 मिनट, हाँ 20-25 मिनट पहले हम लोगों को तुरंत ये खबर हुआ है, हम लोग दौड़ करके। ये घटना हुई, इसमें किसका हाथ नजर आया? देखिए उदय सिंह है। सर क्या घटना हुई थी आज? आप किसके साथ हुई है सर, क्या हुआ है? रतन सिंह फिफना के ही रहने वाले हैं जी, इनके साथ आज एक घटना हुई है ग्राम प्रधान के कैंपस के अंदर उनके घर के। क्या घटना हुई है सर? गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है जी। उसके तथ्यों और कारणों का सबका पता किया जा रहा है, और जो तथ्य पता चले हैं उससे यह पता चलता है कि पूर्व में इनके पटीदारों से कुछ विवाद था, उस विवाद के संदर्भ में ही यह घटना कारित हुई है। सर अभी तक कितने आरोपी सर इसमें हैं, और कब तक आरोपी की अरेस्टिंग हो जाएगी? जितने भी आरोपी हैं अभी पता उनके किए जा रहे हैं, जितने भी आरोपी हैं सबको बहुत ही शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया। एक मिनट, इस रंजिश में इनके परिवार के किसी और सदस्य के भी पहले मारपीट हुई है? अभी सब चीजों का पता लगाया जा रहा है। रतन सिंह बताया जा रहा है कि शहरत में रिपोर्टर थे, अब इन चीज़ों का भी गहराई से पता चला। थैंक यू सर।